हेलो व्यूअर्स, सबको नमस्कार। युवा मित्रों, यदि आप नए ठेकेदार बनना चाहते हैं तो ये पांच काम आपको निश्चित रूप से करने पड़ेंगे। और वो पांच काम कौन कौन से हैं, आइए आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। युवा मित्रों, पहला काम है आपको सप्ताह में 100 घंटे हर हाल में काम करना पड़ेगा। यदि आप नए ठेकेदार हैं और आगे बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपको 7 दिन के अंदर 100 घंटे हर हाल में काम करना पड़ेगा। यदि आप ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे कि 100 घंटे काम नहीं कर पाए एक सप्ताह में, तो आपकी ठेकेदारी संदिग्धता में आ जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा हर हफ्ते यानी 7 दिन में आप कम से कम 100 घंटे काम करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा जो टिप है मेरी, वो ये है कि आने वाले 3 साल में 3 ईयर्स, युवा मित्रों, किसी भी बिजनेस में, चाहे वो ठेकेदारी हो चाहे कोई और बिजनेस हो, उसमें आने वाले 3 साल बहुत कठिन होते हैं। और उन 3 सालों में आपको थोड़ी बात बुरी लगेगी, मगर मैं कहूँगा पार्टीबाजी में या कहीं घूमने फिरने में मिनिमम वक्त गंवाना है, या यूँ कहूँगा कि मिनिमम पार्टीबाजी कीजिए आप। सैर सपाटा, घूमना फिरना, ये सब आप कीजिए, मगर आने वाले 3 साल के बाद में कीजिए, क्योंकि 3 साल तक आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा, अच्छी तरह वेल सेटल्ड हो जाएगा, और उसके बाद में आप ये सब कर सकते हैं। मगर 3 साल तक आपको इन बातों में थोड़ी सी रियायत देनी होगी। इसके बाद में तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि आने वाले 3 साल आपको आलस छोड़कर निश्चित रूप से समय के अनुसार काम करना पड़ेगा। यदि आप नए ठेकेदार हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं, तो आने वाले 3 साल में आलस को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। सुबह 6 बजे आपको उठना पड़ेगा और 7 बजे तक आपको तैयार होकर 8 बजे हर हाल में साइट पर पहुंचना ही आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और चौथा है वो ये है कि हर स्तर पर आपको बचत करनी होगी। जी हाँ सज्जनों, मैंने सुना है कि एक एक रुपए की बचत करके एक गरीब आदमी लखपति बन जाता है, और एक एक रुपए की फिजूल खर्ची करके एक धनवान आदमी, आप समझ गए होंगे। तो बचत करना आपके स्वभाव में होना चाहिए, हर स्तर पर बचत करनी पड़ेंगे आपको। दिन भर में सैकड़ों ऐसे काम होते हैं जिनमें आपको पैसे का लेन देन करना पड़ता है। ठेकेदारी व्यवसाय ही ऐसा है, उसमें हर दिन आपको सैकड़ों जगह पैसा देना और लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपके स्वभाव में बचत की आदत होनी चाहिए। और पांचवा जो टिप है मेरी, वो यह है कि आप अपने सपनों को बड़ा कीजिए। जब तक आप अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को, अपने आने वाले भविष्य के प्रति बड़ी बातें नहीं सोचेंगे, तब तक आप बड़े ठेकेदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने सपनों को बड़ा करने की कोशिश कीजिए। और इससे भी ज़्यादा आप यदि कुछ समझना चाहते हैं तो आपकी अपनी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और फिर प्रतिदिन मैं सुबह 7 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ जो निश्चित रूप से 100% ठेकेदारी के संबंध में होता है, और शाम को भी एक वीडियो देता हूँ। दोनों वीडियोस देख करके आप अपने भविष्य के ख्वाबों को और ऊंचाइयाँ दे सकते हैं। वीडियो पसंद आता है, दोस्तों में सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि जिस वीडियो की आपको ज़रूरत है आपके दोस्तों को भी महत्ती आवश्यकता है। आज का वीडियो कैसा लगा
कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा और लाइक निश्चित रूप से कीजिएगा। नमस्कार।